हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जियो फोन मॉडल नंबर F120B की चार्जिंग बनाना आपको बताएंगे, वो भी बिना हीट गन के। इसे हम कैसे कनेक्टर को सोल्ड करते हैं, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले आप मेरा वीडियो देखें। हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे पास जियो का फ़ोन है जिसका मॉडल नंबर F120 है। दोस्तों, इसे हम आज आपको बिना हीट गन के कनेक्टर को सोल्ड करना बताएंगे कि इसे हम बिना हीट गन के कैसे सोल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें। सबसे पहले फ़ोन को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हम इस कनेक्टर को इस तरह से यहाँ पर रख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, एकदम सेम कनेक्टर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसको अब हम सोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले इस पर जो आगे दो लेग लगे होते हैं उसको हम सोल्ड करेंगे। पेस्ट लगाने के बाद उस पर हम आयरन से सोल्ड करेंगे जिससे वो लेग जो है वो वहाँ पर बने हुए होल में अंदर तक चला जाए। इस तरह से उसको ऊपर से हम दबा देंगे ताकि वो अंदर तक चला जाए। अगर हम ये हीट गन से सोल्ड करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आसानी से चला जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो कीपैड बटनें लगी हुई हैं, अब यहाँ से इसकी पर्ची को निकालेंगे। निकालने के बाद देखिए यहाँ पर चार पॉइंट बने हुए हैं, तो ये पीछे के दो पॉइंट जो हैं उन पर हम पेस्ट लगा के यहाँ से हम इसे सोल्ड करेंगे और उस तरफ से कनेक्टर को इधर को करेंगे। इस तरह से हमारे पीछे के जो दो लेग हैं वो सोल्ड हो जाएंगी और हमारी कनेक्टर की आगे की जो लेग हैं वो लग चुकी हैं। अब लास्ट पॉइंट जो है हमारी चार्जिंग कनेक्टर के जो पिन लगे हुए हैं, पांच पिन, उनको हम सोल्ड करेंगे। तो पेस्ट लगाने के बाद दोस्तों, सबसे पहले हम पहला पिन सोल्ड करेंगे और उसके बाद पांचवा पिन, क्योंकि पहला पिन प्लस और पांचवा पिन माइनस होता है। उन दोनों को सोल्ड करने के बाद ही बाकी के तीन पिन को हम सोल्ड करेंगे। सोल्ड करने के बाद इसे हम एक बार अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि पॉइंट आपको सही से दिखाई दे। साफ़ करने के बाद चलिए दोस्तों, अब मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये देखिए दोस्तों, हमारे फ़ोन में जो है चार्जिंग होने लगी है। इस तरह से दोस्तों, आप बिना हीट गन के ही कनेक्टर को सोल्ड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।